कनेर एक ऐसा पौधा होता है जो भारत के प्रत्येक हिस्से में आसानी से मिल जाता है। यह अक्सर रोड साइड में अधिकतर मिलता है और इसका उपयोग सजावटी पौधों के साथ साथ आयुर्वेद में भी किया जाता है। इसके उपयोग से बुखार तेजी से कम होता है और कुष्ठ रोग में इसका उपयोग बहुत ही सरल तरीके से कर आराम मिलता है। इसकी पत्तियों को और फूलों को कुष्ठ रोग पर लगाने से उसमें तेजी से आराम मिलता है। यह औषधि वरदान के समान मानी गई है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी रणजीत सिंह मेमोरियल क्लिनिक खेगड़ा ने बताया कि कनेर कई रूप में आसानी से मिलता है। यह सफ़ेद, पीला और लाल रंग में होता है। इसका पौधा आसानी से भारत में किसी भी जगह पर मिल जाता है। यह सजावट के साथ साथ पॉल्यूशन को कम करने में भी मदद करता है। वहीं इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत ही अनोखे तरीके से किया जाता है। इसके फूल और पत्तियों को घिसकर दांत पर लगाने से दांत तेजी से ठीक हो जाता है। इसके उपयोग से बुखार और पेट संबंधी रोगों में भी आसानी से उपयोग कर आराम मिलता है। इसमें कुष्ठ रोगों को काफ़ी तेजी से ठीक करने की क्षमता है। डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी ने बताया कि फूल और पत्तियां इसके इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इसके एक साथ मिलाकर इसका लेप तैयार कर दांत कुष्ठ रोग पर लगाने से यह ठीक हो जाता है। वहीं इसकी पत्तियों और फूलों का इस्तेमाल करने से बुखार और पेट संबंधी समस्याओं को ठीक किया जाता है। भारत में कनेर कई रूप में मिलता है, अलग अलग रंगों में ये उपलब्ध होता है। सफ़ेद कनेर होता है, पीला है, उसके अलावा रक्त वर्ण का लाल रंग का कनेर भी भारत में पाया जाता है। कनेर के पौधे का मुख्य उपयोग जो है वो बुखार में किया जाता है। उसकी छाल का, उसकी फूलों का काढ़ा बनाकर उसमें बुखार में उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ये कुष्ठ रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है, और कुष्ठ के अलावा इसका उपयोग इसके फूल और इसकी पत्तियों को पीस करके दाद पे लगाने से दाद में भी इसमें लाभ होता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो पेट की बीमारियों में भी किया जाता है। और विशेषकर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके बीज बहुत विषाक्त होते हैं, इसलिए कभी भी वैद्य के निरीक्षण के बगैर इसका सेवन नहीं करना चाहिए, और कच्चे रूप में खाने से भी ये नुकसान पहुँचा सकता है। उल्टी, डायरिया की शिकायत इससे हो सकती है, तो इसका जो भी सेवन किया जाए वो इसका सेवन वैद्य के निरीक्षण में ही किया जाए।